यूपी में निजाम बदला तो सूबे के हालात भी सुधरने लगे। यूपी के युवा मुखिया अखिलेश यादव सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दावा ठोक रहे हैं। अखिलेश की माने तो यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही 3 एम्स हॉस्पिटल खोले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ही चाहती है कि एम्स बन जाए, पुरानी सरकार ने जगह नहीं दी। हम लोगों ने पूरा इंतजाम कर दिया है, जहाँ जगह चाहते हैं जगह दे दी है। और हम लोगों ने ये भी कहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है तो वहाँ पे तो एक नहीं 3 एम्स बन सकते और बनाने चाहिए, और हम जगह देने के लिए भी तैयार हैं। इस योजना के मुताबिक 1 एम्स हॉस्पिटल रायबरेली जिले में खोला जाएगा, बाकी बचे 2 एम्स हॉस्पिटल पूर्वांचल और बुंदेलखंड इलाकों में खोले जाएंगे। रायबरेली में तो हम लोगों ने तय कर दिया, रायबरेली की एक जो हमारे विधायक हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उन्होंने एक ग्राम सभा में जगह चिन्हित करके और उसका प्रस्ताव भी भेज दिया कि अगर बनाना चाहें तो ये एम्स के लिए जगह पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश में दे देंगे तो हम बनवा लेंगे, हमारे पास बुंदेलखंड भी है, पूर्वांचल भी है। यही नहीं, सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और पैरा मेडिकल स्टाफ की मांग को पूरा करने के लिए सूबे में 6 मेडिकल कॉलेज खोलने का मन बना रही है। साफ है कि अखिलेश के वादे और दावे दोनों ही सूबे की मौजूदा बदहाल और खस्ताहाल तस्वीर को बदल सकते हैं, लेकिन अखिलेश का यह सपना वाकई हकीकत में कब तब्दील होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पॉइंट।